हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत पहले 11 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे ये मैच वीडियो है बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट रेसर्स के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसके लिए। फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट जा रहा है IPL, काफ़ी मज़ेदार। लास्ट मैच में अभी अगर देखा होगा मुंबई इंडियंस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, सूर्यकुमार यादव मैंने आपको दिया था एज अ वाइस कैप्टन पे, काफ़ी ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर किए कंपेरेटिव टू अदर्स। तो एक अच्छी खासी इनिंग्स बिल्ड हुई थी मुंबई इंडियंस की, बहुत ईजी विन था, पर लास्ट में थोड़ा सा चेस करना पड़ा, पर फिर भी ठीक ठाक एक अच्छा विन। मुंबई टॉप लीडर्स हैं अभी, दिल्ली टॉप टू में है। तो ये मैच होने वाला RCB वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, थर्ड और फोर्थ के बीच में ये मैच होगा। दोनों 8 पॉइंट पे है, हाँ दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैच आगे पढ़ने के लिए, 4 नंबर में अपनी जगह कंफर्म कराने के लिए, सर्टेन कराने के लिए। ये मैच होने के बाद सभी हाफ ऑफ द टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। 7 मैच सभी लोग खेलेंगे और इसके बाद शायद जो मिड टूर्नामेंट ट्रेड है वो शायद एक्शन में आने को मिलेगा, कुछ प्लेयर्स इधर उधर जाते हुए देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सारे अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ज़रूर हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, देख सकते हैं इसमें भी फ्री गिव अवे है, 1000 रुपये का इसमें भी गिव अवे है। ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, YT से हमारा रेफरल कोड लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में, उस वहाँ से डाल के डाउनलोड कीजिए। एक और वीडियो हाउ टू अर्न फ्रॉम पॉसिबल 11 ऐप, अगर आप कुछ भी नहीं भी आता बिना टीम बनाए भी आप पैसे कमा सकते हैं बिना किसी फीस के। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो बैंगलोर वर्सेस कोलकाता के लिए। तो कोलकाता की बात करो तो पडिक्कल का काफ़ी अच्छे फॉर्म में, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा स्कोर किया है। फिंच लास्ट मैच जल्दी आउट हो गए, कोहली का लास्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन, डेविलियर्स लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गए थे पर कोहली ने मैच निकाल लिया था। मॉरिस खेले थे लास्ट मैच, उसे उड़ाना है। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी गेंदबाजी की थी, नवदीप सैनी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे। फिर युजवेंद्र चहल एच यूसुल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बताऊँ तो राहुल त्रिपाठी काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल के साथ दोनों ही ओपनिंग कर रहे हैं, अच्छी प्रदर्शन अभी तक देखने को मिली। नितेश राणा अच्छे प्लेयर, मॉर्गन लास्ट मैच में अच्छी बैटिंग की, दिनेश कार्तिक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, रसल लास्ट मैच में इंजर्ड हो गया था, ये थोड़ा इशू था। देखिए अब ये मैच खेलते हैं कि नहीं, हाँ पॉसिबिलिटी ये शायद खेलेंगे, पर फिर भी कुछ चांसेस हो कि निगल्स हो तो दिक्कत हो सकता है, तो वो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अच्छी गेंदबाजी है इनके, पैट कमिंस, सुनील नारायण, नागरकोटी, प्रसाद कृष्ण, वरुण चक्रवर्ती लास्ट मैच जीता, काफ़ी इंटरटेनिंग मैच था, सुनील नारायण ने जिताया मैच, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की लास्ट के ओवर में। और जैसे कि मैंने कहा कि इनका अंदर रसल का खेलना कंफर्म नहीं है, तो आगे हमें देखने को मिलेगी क्या होता है। रॉयल चैलेंजर्स की बात करो तो लास्ट मैच चेन्नई को एक इजी अच्छा मैच खेला गया, पर चेन्नई को क्या पता फ्रेंड्स क्या हो गया है फ्रेंड्स, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जब भी वो चीज़ कर रहे हैं। तो फिर भी RCB का अच्छा परफॉर्मेंस, डिविलियर्स कोहली खासकर अच्छे फॉर्म में दिखे, एरन फिंच फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, कुछ दिनों से रन्स नहीं बन रहे हैं। मॉरिस लास्ट मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट मिली है अपने फर्स्ट पेन में के फर्स्ट मैच में। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात बताऊँ तो एक 2 रन के मार्जिन से जीता हो मैच, बहुत ही अच्छा और इंटरटेनिंग मैच था, लग रहा था टाई हो जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से मैक्सवेल ने हिट किया था वो गेंद ऑलमोस्ट छक्का थी फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर और आगे जाती तो एक छक्का हो जाता और एक और टाई हमें देखने को मिलता, सुपर ओवर में देखने को मिलता। और फ्रेंड्स, कोलकाता नाइट राइडर 8 पॉइंट के साथ थर्ड पोजिशन पर है और सिर्फ रन रेट के चलते RCB से आगे, बाकी सब सेम है फ्रेंड्स। और कोई तो एक नेक टू नेक टक्कर मिलेगी, अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। लास्ट मैच में भी प्रसाद कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी की, हेड टू हेड में कोलकाता 14-10 से आगे है, इसमें थोड़ा आगे है, पर ये जो मैच होगा काफ़ी इंटरटेनिंग होगा, दोनों ही तगड़ी टीम्स। की पॉइंट की बात करूँ तो शुभमन गिल आपकी टीम में होनी चाहिए, 3.50। कोहली फॉर्म में आ गया लास्ट मैच में भी 90 रन। रसल ने एक मेजर कंसर्न है, उनका फॉर्म भी खराब है, शायद फिटनेस इशू भी होगी जैसे कि लास्ट मैच में इंजरी हुई थी। और दिनेश कार्तिक के लास्ट मैच में रन आ गए थे, ये अच्छी बात है। डिविलियर्स को आप पिक कर सकते हैं, टीमिंग के ऑप्शन में टॉप ऑर्डर के बैट्समैन का ज़्यादा रोल रहेगा। मॉरिस चहल वाइस कैप्टन के ऑप्शन, कैप्टन के ऑप्शन डिविलियर्स, कोहली, गिल विकेट टेकिंग बॉलर है युजवेंद्र चहल, मॉरिस पैट कमिंस, प्रसाद कृष्णा, नितेश राणा ग्रैंड लीग के पिक होंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की ओर तो पडिक्कल, फिंच, कोहली, डिविलियर्स, गिल, कार्तिक, रसल एंड नारायण। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो शाहजहां में मैच खेला जाएगा, शाहजहां में खेला जाएगा फ्रेंड्स। मैं बात पर बता देता हूँ ये यहाँ बहुत ज़्यादा रन देखने को मिलेंगे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को ज़रूर खेला है, 200 से भी ज़्यादा रन्स भी देखने को मिल सकते हैं, 180 तो मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा ही क्योंकि दोनों ही टीम की बैटिंग काफ़ी तगड़ी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं ड्रीम 11 में टीम बनाए। तो फ्रेंड्स आपके सामने टीम बनाएंगे, एक बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी टीम बनाएंगे फ्रेंड्स। डिविलियर्स आपके टीम में होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए मेरे हिसाब से, दिनेश कार्तिक अभी आपके टीम में होने चाहिए,
पहले हम कोई टीम तैयार करेंगे फ्रेंड्स, कोहली आपकी टीम में होनी चाहिए। फिंच के बारे में लास्ट में डिस्कस करूँगा, गिल त्रिपाठी इनमें से कौन खेलेगा उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। रसल को मैं अभी अपनी टीम में नहीं लूँगा, एक तो फिटनेस इशू, दूसरा उसके बाद फिर फॉर्म इशू भी है। मॉरिस लास्ट में काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखे पर क्रेडिट इशू शायद होगा, तो हम लास्ट में हम आपको बता देंगे कि आप मॉरिस या नारायण किसी एक के साथ ही शायद जाना पड़ेगा। वहीं बॉलिंग की बात करूँ तो चहल आपके टीम में होने चाहिए फ्रेंड्स, चहल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। फिर सैनी आपके टीम में होने चाहिए, और कोलकाता की तरफ से बात बोलूँ तो वन चक्रवर्ती अच्छे दिखे। प्रसिद्ध कृष्ण आपकी टीम में रह सकते हैं, एक अच्छे गेंदबाज, तेज़ गेंदबाज शाहजहाँ में तो किसी के पास भी अच्छा प्लस पॉइंट नहीं है, चाहे वो तेज़ हो स्लो हो। वहीं बात करूँ तो गिल और पटिकल मैं तो बोलूँगा कि आप दोनों के साथ चल जाए, और मॉर्गन को भी आप चाहे तो खिला सकते हैं, और फिर बोलूँ तो फिंच के साथ भी चल जाए, तो एक अच्छी टीम देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। देखिए अपने सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन को पिक कर लीजिए, जैसे कि मैं बताऊँ एबीडीवियर्स, कोहली, फिंच, पटिकल टॉप फोर आपको आरसीबी का मिल जाएगा। वहीं बात करूँ त्रिपाठी के अलावा आपको यहाँ पर सारे मिल जा रहे हैं, तो त्रिपाठी को भी अगर आप अकोमोडेट कर सकते हैं, मॉर्गन की जगह ले सकते हैं, त्रिपाठी अच्छे फॉर्म में है फ्रेंड्स, मॉर्गन की जगह ज़रूर ले सकते हैं, पर थोड़ी दिक्कत है, तो आप या तो इसी टीम के साथ जाएँ या फिर त्रिपाठी को भी एडजस्ट कर लें, क्योंकि त्रिपाठी ज़्यादा अच्छे बेहतरीन फॉर्म में दिखने को मिल रहे थे। तो मॉर्गन की जगह अगर आप त्रिपाठी को ले लेते हैं तो एक और अच्छी टीम देखने को मिलेगी। कार्तिक को बैठा देते हैं फ्रेंड्स, और कार्तिक की जगह मॉर्गन को ले लेते हैं, ये कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक अच्छी रणनीति। हाँ पर बैंगलोर के हमने ज़्यादा प्लेयर्स खिला लिया, ये भी एक इशू हो जाएगा। तो मैंने जैसे कहा था आप मॉरिस की जगह नारायण कर सकते हैं, एक सिंपल पिक है, ज़्यादा कुछ करने का नहीं। तो एक अच्छी टीम देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, छः बैट्समैन हमने खिलाया है फ्रेंड्स, ये जस्ट बिकॉज की साझा में, और एक डिविलियर्स तो अलग है ही, नारायण भी बैटिंग करने दिखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा बैट्समैन इसलिए खेला क्योंकि मैच साझा में खेला जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात हो तो काफ़ी टफ पिक होगी फ्रेंड्स, काफ़ी टफ। फिंच फॉर्म में नहीं दिखे हैं, वाइस कैप्टन तो मैं पक्का त्रिपाठी को बनाऊँगा, ये फॉर श्योर है, या फिर ये मैं आपको दूसरी टीम दे देता हूँ, एक थोड़ा सेफ दे रहा हूँ, आप इसके साथ जा सकते हैं, या फिर जो सेकंड जो मैं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप सेकंड में जा सकते हैं, सेकंड की जो पिक होगी उसमें आप कर सकते हैं कि आप खिला सकते हैं शुभमन गिल एज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन एज दीपक पटिकल, ये मेरी फाइनल टीम होगी फ्रेंड्स, आप फर्स्ट टीम के साथ भी जा सकते हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, एक अच्छी टीम देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। आप ज़रूर हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, रेफरल कोड कैपिटल वाई कैपिटल टी डालिए, और फ्रेंड्स बहुत सारे पैसे कमाइए इस मैच से भी। फ्री एंट्री है, गिवे वे में ज्वाइन हुई है, बहुत सारे एक वीडियो है चेकआउट कीजिए, हाउ टू अर्न फ्रॉम पॉसिबल 11 ऐप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेकआउट कीजिए, उससे पता चल जाएगा आप कैसे फ्री में पैसे कमा सकते हैं पॉसिबल 11 ऐप से बिना कुछ किए हुए। और फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाइए इस मैच से, बाय।